आप लोगों के बीच में एक मिशन गीत जा रहल बा। हमरा के आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा, आप अपना आशीर्वाद यह बेटी के दहन। आज मैं जय भीम जय भारत नमो बुद्धिहाय करते हुए पूरी पार्टी की ओर से जय अखिलेश जय समाजवाद जय गठबंधन जय माया। आओ मास्टर बजा के। अरे 14 अप्रैल है महान शुभ दिना, 14 अप्रैल महान शुभ दिना, जनमल सुगानावा साहब जौनेश में पैदा होते हैं, महू महाराष्ट्र एमपी के धरती पे होता है क्या। 1891 के सुघर समाइया, वहां के लोग बड़ा खुशी मनावत हुन 1891 के सुघर समाइया। जनमल सुगानावा एमपी में हो, जनमल सुगानावा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब धीरे धीरे श्यान होते हैं, जोनेश में श्यान होते हैं, विचार बनाते हैं धीरे धीरे बाबा जी सा या ना चाप भाई बाबा साहब धीरे धीरे श्यान होते हैं, स्कूल में जाते हैं अपना एडमिशन करवाते हैं, जौनेश में बाबा साहब स्कूल में जाने लगते हैं। ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था था, बाबा साहब को अछूत समझ करके बाबूजी ताट पे नहीं बैठने देते थे, बाबा साहब को बाहर बैठाया जाता था। बहुत बहुत कठिनाइयां झेलते हुए बाबा साहब शिक्षा को प्राप्त करते हैं, कैसे धीरे धीरे बाबा जी सा या ना जाप भाई बाई सकूलावा में नामावा लिखाई ले, भेदभाव देखी कारे ठकुरा बभनावा, भेदभाव देखी कारे
जनमल सुगाना वायंपी में हो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब कठिनाइयां झेलते हुए जब शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो होता है क्या, कहना है। 1908 में जब शादियां कराई जनमल सुगाना वायंपी में हो रामा भाई बनके अइले घर में जनाना वाला बाबा भाला। लेकिन बाबूजी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब तो शादी होती है, जौने समय शादी होती है वह समय भी खुशी की आभा जगी थी। रामाबाई दुल्हन बन के जब घर में आती हैं, उसके बाद होता है क्या, बाबा कहना है। बाबा जी राची राची लिखे संविधान हो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने संविधान रच के बना करके तैयार करते हैं जो नेश में मेरा देश आजाद होता है। बाबा जी राची राची लिख संविधान हो होके परेशान हो अरे भाई लाया जात हमरो सगरो हिंदुस्ताना अरे भाई लाया जात हमरो सगरो हिंदुस्ताना जनमल सुगाना